सर बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। मैं 100 एपिसोड हम सब ने इतनी मेहनत की और अभी सक्सेसफुल, एक तरह से सक्सेसफुल जा रहा है हमारा शो। एंड हमें तो पता भी नहीं लगा कि 100 एपिसोड कब हो गए, मतलब अभी ऐसे लग रहा है कि 4 दिन पहले 18th अक्टूबर था एंड अभी 100 एपिसोड भी पूरे हो गए। बट अभी 500,000 एपिसोड करेंगे तो अभी आई हमारी उसी के लिए। बट इट्स अ ग्रेट फीलिंग कि एक्चुअली मैं इतना मेहनत करते हैं सारे, हमारी पूरी टीम एंड लोग इतना अच्छे से अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड 100 एपिसोड आज की डेट पे कोई छोटी बात नहीं होती करना, तो आई फील ब्लेस्ड। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना ज़्यादा प्यार मिला है हमें मन सुंदर के पूरे टीम को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वी रियली आर ग्रेटफुल फॉर दिस। अभी 100 एपिसोड का सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और हाँ, ट्विस्ट डे वन से यही हो रहा है, क्या क्या रुचिता ने देखा है, क्या क्या झेला है, मैंने तो सब देख लिया ऐसा लग रहा है। लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। हर एक एपिसोड में कुछ नया लाने की कोशिश करते थे हम, कुछ नया करते थे और एक एक्चुअली में एक फैमिली जैसी फीलिंग आती थी। सुबह आना, रात में जाना और पता भी नहीं चला कैसे 3 महीने इतनी जल्दी निकल गए, बट वी ऑल आर रियली हैप्पी। पहले तो मैं सब पूरी टीम को, अपने सब प्रोडक्शन हाउस को, ऑल डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एवरीवन एंड ऑल आर्टिस्ट, पूरी एंटायर टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी। सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग डेज तक भूल जाते हैं कि आज डेट कौन सी है, ये तक याद नहीं रहता है। एक दूसरे से पूछते हैं ट्यूसडे है या वेडनेसडे है, मतलब लगातार हम लोग डे नाइट जिस तरह से करते रहे। बहुत खुशी हो रही है कि 100 एपिसोड्स हो गए आज। और मुझे तो लगता है मैं तो टास्क एक्सपर्ट हो गई, इतने इसके अगेंस्ट इतना काम, मतलब इतना इसको दुखी किया है दिस लवली गर्ल कि हम टास्क एक्सपर्ट होके रह गए, कहीं पर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो बस। आई एम रियली फीलिंग वेरी ग्रेट अबाउट इट, वेरी ग्रेट। आज 100 एपिसोड है तो कुछ स्पेशल ही हो रहा है। किसी का बर्थडे आने वाला है, वो आपको पता चलेगा किसका जन्मदिन है और कुछ बहुत अच्छा और धमाकेदार देखने को मिलेगा। अभी बता सकते हैं किसका बर्थडे है? एक कोई महिला है हाँ, जिसका मन सुंदर है। बच गई। ट्विस्ट यही देखने को मिलेगा कि अमृता अब वापस आ गई है, पहले सुनहरी थी लेकिन अभी सबको पता नहीं है, सिर्फ माँ और दादी को पता है कि वो अमृता ही है जो सुनहरी थी। तो अभी पता चलता है रुचिता को या नहीं पता चलता है कि ये अमृता ही है, अमृता प्यार करती है निहार से, ये बहुत बड़ी बात होगी। ये बहुत बहुत बड़ा ट्विस्ट लाने वाला है ये एपिसोड में भी, क्योंकि अगर अमृता की सच्चाई आएगी तो ये भी पता चलने वाला है कि निहार को कभी रुचिता से प्यार था ही नहीं, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। पूरे अभी तक जितना भी हमने एपिसोड किया है इसमें ये मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बड़ा ट्विस्ट लाने वाला है। प्यार नहीं, वो बहुत ज़्यादा केयर करने लगा, क्योंकि वो भी तो देख रहा है इतने महीनों से शादी के बाद से क्या कुछ नहीं हो रहा है इस लड़की के साथ, क्या कुछ नहीं झेल रही। और ऑब्वियसली निहार बहुत अच्छा इंसान है तो इंसानियत के नाते एक केयरिंग और साथ रहते रहते आदत हो जाती है, प्यार नहीं बोलेंगे बट हाँ उसको उसके प्रति फील होने लगा है कि बेचारी बहुत सीधी है, भोली है, तो मैं इसका साथ दूंगा। जिसकी वजह से मुझे लगता है रुचिता इस घर में गॉयल्स में टिकी हुई है, जस्ट बिकॉज ही इज़ केयरिंग, ही इज़ दैट केयरिंग एंड लविंग। यही बोलूँगी कि आज 100 हुआ है, 500 होगा, 1000 होगा, ऐसे ही प्यार करते रहिए और हम भी कोशिश करते रहेंगे कि कुछ ना कुछ नया हम लाते रहे एपिसोड में। और सारे मैसेजेस जितने भी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप जो भी मैसेज करते हो हम सब कुछ देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नहीं एक्चुअली मैं जितना इस सीरियल को सराहा गया है एंड जितना, मतलब एक होता है कि हार्डवर्क हर आदमी करता है लेकिन एक्सेप्ट सब नहीं करते, तो ऑडियंस ने इतना प्यार दिया है, अभी भी रोज़ इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं, बिल्कुल ऑलमोस्ट 0 नेगेटिविटी वाले मैसेजेस आते हैं, तो अच्छा लगता है कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं ऑडियंस को जो कि उन्हें पसंद आ रहा है। तो आई फील ब्लेस्ड, आई फील थैंकफुल ऊपर वाले का, अपने माँ बाप का, ऑडियंस का एंड अपने चैनल का, अपने प्रोडक्शन का, अपने टीम का, ये सब एक आई थिंक बस आई जस्ट फील लकी। भाभी के बारे में ये कहूँगा कि भाभी हमारी भाभी है और भाभी हमारी भाभी रहेगी। देवर बीवी और अमृता का तो फिर अभी शायद 50-50 है, किसी में भी जा सकता है लेकिन भाभी नहीं बदलेगी। जी हाँ, आज 100 एपिसोड्स, मतलब बहुत खुशी हो रही है कि ऑडियंस का इतना प्यार मिल रहा है कि 100
भाई जैसे कि बताया रुचिता ने भी कि 100, 500, 1000, 5000 मतलब निरंतर चलता रहे। और ये जो सफ़र है ये बहुत ही सहज तरीके से शुरू नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव हुए थे इसको शुरू करने में, लेकिन उस वक्त हम ये भी नहीं सोच पाए थे कि 100 एपिसोड तक पहुँचेंगे। लेकिन आज जो पहुँचे हैं तो अपने आप में बहुत एक गर्व महसूस हो रहा है कि बहुत सारे मतलब हमारी पूरी यूनिट, हमारा पूरा टीम मतलब एकजुट होकर जिस तरीके से सारे ऑड्स के साथ लड़ते हुए करा है, मनसुंदर का शायद ये कॉन्सेप्ट भी है और यही हमारे शो की शुरुआत भी है। सुनहरी का ये असली रूप है, अमृता सुनहरी बन के आई थी क्योंकि उसका कुछ मकसद था कि वो अमृता के तौर पे वापस आ सके, लेकिन वो ऐसे नहीं आ सकती तो वो कैसे आएगी, तो इसलिए उसने पहले सुनहरी का रूप लिया और वो इस घर में आई। उसने अपर्णा जी और पूनम जी और दादी को जो भी है धमकाया और कैसे भी अपनी जगह बनाई इस घर में अमृता बन के। और अब जब अमृता वापस आ गई है तो अब निहार कैसे रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, क्या उसको अपना प्यार वापस दिला पाएगी, उन दोनों का रिश्ता तोड़ पाएगी, ये सब अब आप मनसुंदर पे देखिए आगे। बहुत खुशी हो रही है, मतलब इट टेक्स अ लॉट टू कम्प्लीट 100 एपिसोड्स। हम सब ने, पूरी यूनिट ने, पूरी कास्ट ने बहुत मेहनत की है और 100 एपिसोड्स होने पे, पूरे होने पे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मतलब और मैं ज़्यादा कुछ कह ही नहीं पाऊँगी। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई है मनसुंदर के 100 एपिसोड्स हो गए हैं। आज क्या सीक्वेंस आप शूट करने वाली हैं? आज मैं एक्चुअली हम लोग आगे दिखाने वाले हैं कि हमारे घर में एक पार्टी है, किस चीज़ की पार्टी है पता नहीं, वो पार्टी में अमृता क्या करेगी, तो वो कुछ करने वाली है रुचिता के साथ, हम उसी की प्लानिंग का आज शूट कर रहे हैं।